केसरिया वालम आओ हमारे देश। सा तो बहुत फुटरा लागे। अरे झूठ काके मैंने, चुप कर। भाई साहब, जब मैंने आपको कहा शिवजी महाराज के दर्शन कर लो तब आपने मना कर दिया, तो अब ये कैसा चमत्कार? चमत्कार ही समझ ले, मैंने सोचा चल एक बार तेरी बात भी मान के देख ले। थैंक यू। अच्छा एक बात बता मुम्मा, ये धागा बांधने की प्रथा कौन करता है? कुमारी कन्याएं। और अगर किसी का रिश्ता तय हो गया हो तो फिर उसे धागा बांधने की क्या जरूरत? उस पर तो शिवजी महाराज ने पहले से ही कृपा कर दी है। अच्छा जानती मुम्मल, झूठ की उम्र सिर्फ तब तक होती है जब तक उसका सामना सच से ना हो जाए। आज मुझे सच का पता चल गया। सच झूठ ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो वो सब छोड़, चल। भाई साहब आप भी क्यों, मंदिर में कोई मिल गई क्या? ये तो नहीं जानता, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है कि आज ये धागा बांधने के बाद शिवजी महाराज मेरी भी इच्छा पूरी करेंगे। धागा बांधा प्रेम का, धागा बांधा प्रेम का हरि मंदिर के द्वार। चलिए झूठ तो भूल गए
आज तो कुंवर साने तने धागा बांधते देख ही लिया, के फायदा हुआ थारी झूठ का? जवाब दो जीजी, अने तो कुंवर सा की आंखों में तारे लिए प्रीत दिखी, तने ना दिखी? ना, ये बस इतना दिखे है कि अगर देर हो गई तो माँ गुस्सा करेगी, और अगर मारी बात का जवाब ना दिया तो मैं गुस्सा करूं। मैंने क्या लगता है कि मारा मन नहीं करता? जी जी, तुम्हारे हिसाब से बनने जो ठीक लगा वो मैंने किया, और ऐसो करने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारी छोटी बहन है, मारे से बड़ी बनने की कोशिश ना कर, समझी? कमंगल, नंद काका, हुकुम कुंवर सा। काका, उस दिन मुझे आप पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। नौकरों से माफी ठाकरों की शान के खिलाफ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप काका? आपकी उंगली पकड़कर तो मैंने चलना सीखा, आप मेरे नौकर कैसे हो सकते हैं? आपने मारे को इतनी इज्जत दी, जीवन सफल हो गया। माता जी महाराज आपको सुखी रखे। थैंक यू काका। कम ऑन। अब तक नाराज है मारे से? छोटी बहन जो ठहरी थारे से, बोल के मारे को बड़ाना बनना है। अच्छा ये ले, बन गई थारी जीजी छोटी, अब तो माफ कर दे मन्ने। तो सच कहना, करती हो ना प्रेम कुंवर सा से? तू भी ना रसा, मन्ने डर लागे है कि कहीं मैंने कुंवर सा की प्रीत पर विश्वास कर लिया तो वो हमारी जिंदगी बन जाएंगे, और फिर अगर हमारी पूरी तकदीर हमारा चेहरा हमारे और कुंवर सा के पीठ बीच में आ गया तो क्या करोगे, कैसे जियोगे? अपनाने के बाद भी अगर उन्होंने मारे को छोड़ा दिया तो कहाँ जाओगी? तो इस कारण कुंवर सा की सच्ची प्रीत अपनाने से छुड़ा रही हूँ? कौन सा न्याय हुआ जीजी? प्रेम के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं, और फिर कुंवर सा को देख के तुम्हारे को लागे है कि वो बहुत भले आदमी है, वो थारी सच्चाई जान के थारे को जरूर स्वीकार करेंगे, पूरा विश्वास है मने। और फिर मारी जीजी की सुंदरता तो उसके मन में छुपी हुई है, जो एक बार कुंवर सा ने सुंदरता को पहचान लिया ना तो कुंवर सा का प्यार थारे को और भी खूबसूरत बना देगा। साची, कपड़े खराब हो रहे हैं। रोज रात मन्ने अकेले छोड़ के उसके पास जाने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या है उसके पास जो हमारे पास
अपने आप से पूछ क्या करे वो आपको छुड़ाने के लिए। मैडम भी बताओ ना, मैं भी वो सब कुछ कर सकूं बेहतर। पहले अपने आप को संभाल तो सीख। जब आपके साथ घर के आई थी तो मरने लगा, आप मरने संभाल लोगे? संभाल तो रहा हूं, ये जेवर इनाम सब कुछ तो दिया है तन्ने, जिंदा रहने के लिए और क्या चाहिए तन्ने? और प्यार, उसका क्या? वो तो आप रोज रात उस दो टके की औरत की झोली में डाल लाते हो। वो एक औरत है, एक पूरी औरत। वो मरने खुश रखे, वो जाने कि अपने मर्द को किस तरह खुश रखे। अपने मर्द को नहीं, किसी दूसरी के मर्द को कैसे खुश रखना है? जी तरह जाने चुने। ये शोर कैसा हो रहा था? कौन सा शोर? इतना बंद सवर के कहां जा रहा है? फैक्ट्री जा रहा था, कल सुबह कंसाइनमेंट भेजनी थी। ओ, तो फैक्ट्री में चमड़े की बदबू ना आए इसलिए इतनी महक लगा रखी है आपने? अगर हमारे पे विश्वास ना हो तो फैक्ट्री फोन करके पूछ लीजिए। दीप, ना ना, माने को तारे पे पूरा भरोसा है, बस थारी चिंता रहे है। चिंता हुए तो क्या करूं, काम ना करूं? जाओ। अब आपने भी जानना है मामा सा कि मारे को किससे मिलने जाना है। भांजे, ऐसे बन ठन के तू किससे मिलने जा रहा है मुझसे ज्यादा कौन जानता है? पर रात इतनी रंगीन मत कर लेना कि सुबह का ठिकाना ही नहीं रहे। हमें सुबह कचहरी जाना है, वहां मदन सिंह भी आएगा। क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। Come on, darling. Let's go. कल आपको हमारा इंतजार था, आज हमारी आंखें आपको ढूंढ रही हैं, इंतजार कर रही हैं। इतने निर्दयी न बनो कुंवर साहब, अब आप ही जाओ। तुम्हें भी तो पता चले कि प्रेम की अग्नि में जलना कितना कठिन। अरे यो कुड़सो न्याय वकील साहब कि मने मारी जमीन वापस लेने के वास्ते सालों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े। अरे जमीन तो मेरी माँ है, पर अपने माँ ने कोई पराया हाथों में सौंप सके है कहीं? मदन सिंह, मैं थारी परेशानी समझू, पर तू ही बता मैं क्या करूं? थारा इतना सा जमीन का टुकड़ा और भंवर सिंह की इतनी सारी प्रॉपर्टी, अरे भंवर सिंह के आगे तो थारी जमीन ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है, समझे कि नहीं? हाँ।
ख्याल घीसू, लगता है कुंवर सा आज भी ना आएंगे। कैसे हो बन्ना सा? अरे क्या हुआ? हम्मा घड़ी बन्ना सा। मन्ने आपसे बात करनी है। अच्छा तो करो। या नहीं? जी जी घीसू तू मूर्तियों को देख, हम अभी आते हैं। जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है वो इस तरह पराए मर्दों से अकेले में नहीं मिला करती। मन्ने आपसे अपने मन की बात कहनी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया। बारे में सच सुन सकोगे? आजमा कर देख, मैं तुमसे प्यार करता हूं रुक्मी, और सिर्फ इतना ही जानता हूं, बाकी किसी भी सच झूठ से मेरा कोई वास्ता नहीं। रुक्मी क्या बात है?